नमस्कार, मैं माधवी सिंह मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं नए तरीके से मूंगफली की चटनी बनाना बताऊंगी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने ये कच्ची मूंगफली ली थी और इसे हम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसमें ज्यादा मूंगफली नहीं लेना है, नहीं तो क्योंकि ये फूलने के बाद और पीसने के बाद बढ़ जाती। अब ये पीस के तैयार हो गई है, ये इस तरह से हो जाती है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें हम डाल देंगे नारियल, थोड़ा सा कच्चा नारियल। लेकिन कच्चा नारियल यदि आपके पास नहीं हो तो इसे भिगो के आधा घंटे के लिए रख दिया और फिर इसमें मैंने डाल दिया है। और ये अदरक डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसमें हम डाल देंगे लहसुन, 4-5 लहसुन की कलियाँ, और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे रफली काट के और तोड़ के और ऐसे डाल देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पानी डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। अब ये अभी ठीक से नहीं पीसा है, इसमें अब हम क्या करेंगे, और पानी डाल देंगे, आधी कटोरी और पानी डाल देंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। अब ये इस तरह से अब ये ग्राइंड हो गया, बारीक हो गया ये। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम 3 चम्मच दही डाल देंगे, दही में भूल गई थी डालना। और यदि आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं और इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास दही है, मैं दही डालूंगी। अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को पैन चढ़ा के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 2 टीस्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल जीरा डाल देंगे और ये 1/2 चम्मच राई, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। थोड़ा सा ये लाल मिर्च। अब इसमें मैं जो बैटर में पीस के रखी थी वो डाल दूंगी। ये देखिए हमारी आधा कप मूंगफली थी और पीसने के बाद ये कितनी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा ही लीजिए क्योंकि अभी और ये पानी सोखेगा, इसमें पानी अभी और लगेगा। अब मैं थोड़ा सा पानी अभी और डालूंगी और फिर अच्छे से इसे उबलने दूंगी फुल फ्लेम में। ये चटनी आप खा के देखिएगा, इडली डोसा या पकोड़े वगैरह के साथ इतनी बढ़िया लगती है। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी, 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, और यदि आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टा चाहिए हो तो आप दही और डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्की सी खटास भी अच्छी लगती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। अब ये चटनी मेरे अच्छे से उबल गई है, इस कंसिस्टेंसी में हमें रखना है क्योंकि ये अभी और थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। और ये आप बिल्कुल बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह की चटनी। हाँ, ये ध्यान देना है कि इसे हमें बारीक पीसना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा तड़का दे देंगे। ये धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना हो तो कोई जरूरी नहीं। अब मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे राई डाल देंगे, ये लाल मिर्ची और ये कड़ी पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हम तड़का दे देंगे। अब ये हमारी मूंगफली नारियल की चटनी बनके तैयार है। इसे आप डोसे के साथ, पूड़ी, पराठे, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी बनाइए और खाइए और खिलाइए, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।